रानी कमलापति चौधरी रामचंद्र की बेटी थी और आने वाले समय में भोपाल शहर का भाग्य इन्हीं के हाथों बदलने वाला था। प्रोमिनेंट कौन राजा जो इस एरिए में है वो है राजा रामचंद्र। राजा रामचंद्र की एक बेटी है कमलापति और कमलापति के लिए उन्हें एक लड़का चाहिए और जब वो लड़के की तलाश शुरू होती है तो लिटरली एक स्वयंवर होता है और जब वो स्वयंवर होता है तो उसमें निजाम शाह जीतते हैं और रानी कमलापति की शादी उनसे हो जाती है और सब कुछ ठीक चलता रहता है। लेकिन किसी कहानी का परफेक्ट एवर आफ्टर तो हजम नहीं होता ना, तो वही हुआ और कुछ लोगों ने उसे जहर देके मार दिया। निजाम शाह की हत्या उन्हीं के भतीजे आलम शाह ने की, जिसे कहीं चैन शाह भी कहा जाता है। आलम शाह गिन्नौरगढ़ से करीब 80 किलोमीटर दूर चैनपुर बाड़ी का शासक था और अपने और निजाम शाह के परिवार में चली आ रही शत्रुता को सीने में पाला हुआ था। मौका देखकर आलम शाह ने निजाम शाह को अपने किले में दावत दी। निजाम शाह दोनों परिवारों के संबंध ठीक करने के मन से चैनपुर बाड़ी पहुँचे, जहाँ उन्हें षड्यंत्र के तहत जहर मिला हुआ खाना खिलाया गया और हत्या की गयी। गोंडों का जो शासक था निजाम शाह, उसकी हत्या धोखे से कर दी गई। निजाम शाह को मारकर भतीजा आलम शाह अब गिन्नौरगढ़ पर कब्जा जमाना चाहता था। जब रानी को ये बात पता चली तो वे अपने बेटे नवल शाह को लेकर अपने राज्य के इस छोटे से किले पर भाग आई। ये वही पुराना किला था जो गोंडों ने राजा भोज के बांध पर बनाया था। अपने संबंधियों से छिपकर रानी अपने बेटे के साथ पुराने किले में रह रही थी। आसपास बसे गौड़ और भील जनजाति के लोग अब इस किले को कमलापति महल के नाम से बुलाने लगे। तभी उनको अपने सिपाहियों से एक अफगानी लड़ाके का नाम सुनाई दिया, जिसका नाम दोस्त मोहम्मद खान था। दोस्त मोहम्मद खान का जन्म 1657 में मुगलिया सल्तनत के अधीन एक छोटे से गांव तिराहा में हुआ। दोस्त मोहम्मद का बचपन तो तिराहा में बीता, मगर जवानी में उन्होंने तिराहा छोड़ दिया और अपने लिए नई मंजिल तलाशते हुए दिल्ली पहुंचे। करजई फैमिली से आया और अपने उस्ताद से दिल्ली में मिला। उन्होंने कहा तुम यहाँ कैसे घूमते आ गए, तो उसने अपने परिवार के झंझटों को बताया। तो उन्होंने कहा तुम पढ़ाई करो हमारे साथ, तो उन्होंने कुछ अरबी पढ़ाया और कहा कि क्या चाहते हो, बोले हम मुगल आर्मी में भर्ती होना चाहते। तो मुगल आर्मी में वो एक कमांडर 200 का 200 का जो भी हो भर्ती हुआ। उसके लिए उसे घूस देनी पड़ी फीस, जो कि रस्म था उस समय, एक घोड़ा खरीद के लाना होगा और 5 सोने के सिक्का उस जमाने में जारी था, वो मुगल को देना था। वहाँ से भर्ती हुआ और इतना डायनेमिक था कि उसके बहादुरी को देकर औरंगजेब के काल में उसे दक्कन में भेजा गया। दक्कन से जब विजय प्राप्त कर लिया तो उसने सूचना दी कि मैंने फतेह कर लिया, तो यहाँ से मुगल दरबार से उसको इनाम देने के लिए कुछ सूचना गई होगी। तो वहाँ से आया तो उसको फक्र हो गया, कमन और बैरसिया में आके उसका दिमाग विचलित हो गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु की खबर सुनने के बाद दोस्त मोहम्मद का दिल्ली लौटने का मन नहीं था, सो उन्होंने अपने कुछ पश्तून सिपाहियों के साथ मालवा के इस क्षेत्र में रहकर पैसों के बदले छोटे छोटे राजघरानों को सुरक्षा देनी शुरू कर दी, जिसमें प्रमुख हैं मंगलगढ़ जो राजा आनंद सिंह सोलंकी के अधीन था। आगे जाकर दोस्त ने इन्हीं की बेटी कुंवर सरदार बाई से शादी भी की, जो इस्लाम अपनाने के बाद फतेह बीबी के नाम से जानी गयी। दोस्त मोहम्मद अभी भी मंगलगढ़ की सुरक्षा कर रहे थे, मगर दोस्त इतने से संतुष्ट नहीं थे। दोस्त मोहम्मद ने जल्द ही अपना सामंत राज्य स्थापित करने की ठानी और अपनी राजपूत बीवी की मदद से बेरसिया 30,000 सालाना रकम पर किराए पर लिया। 1705 में दोस्त मोहम्मद का संघर्ष एक राजपूत सरदार नारसिंह देवड़ा से हुआ। नारसिंह देवड़ा के क्षेत्र जगदीशपुर में चल रही एक संधि वार्ता में दोस्त ने देवड़ा और उसके साथियों को धोखे से मरवा दिया और पास ही बनी नदी में फिकवा दिया। कि जगदीशपुर में उसने एक दावत दी और उसमें कई गोंड राजा को बुला करके धोखे से मार दिया और कहा जाता है कि उनके लाश को उठा के फेंक दिया इस्लाम नगर से पात्रा नदी में। यही वजह है कि आज भी हिंदू पात्रा नदी की मछली नहीं खाते।
क्योंकि उसमें राजपूतों का खून है। ये एक कहावत है, ये बड़ा बर्निंग कहावत है। ऐसा मैंने पढ़ा है, जवाने नहीं कहना, एक साथ उसने कई गोंड राजाओं को, गोंड चीफ को तम्मू में, इस्लाम नगर के तम्मू में दावत दे के एक बैठ बत्ती बुझा दिया और रस्सी काट दिया, उसमें अपने चुने हुए सैनिकों से जो लीडर थे उनको मरवा दिया, ऐसा कहा, मरवा दिया और कहा कि हो गया पूरा एरिया हमारा, अब कोई लड़ने वाला, जो बचे खुचे थे वो डर गए कि अब ना इससे पार पाएंगे। दोस्त ने ही जगदीशपुर पर कब्जा करके उसका नाम इस्लाम नगर रखा। ये इस्लाम नगर दोस्त की राजधानी बना और कुछ ही समय बाद मंगलगढ़ भी दोस्त के हाथ में आ गया। तो ये बहादुरी देख करके कमलापति रानी ने उनको इनवाइट किया। रानी कमलापति को दोस्त मोहम्मद की पूरी कहानी सुनने के बाद यकीन हो गया कि दोस्त निजाम शाह की मौत का बदला लेने में काम आ सकते हैं, और इस मंशा से रानी ने दोस्त मोहम्मद को भोपाल आने का न्योता दिया और न्योते में एक रक्षा सूत्र यानी राखी भी भेजी। दोस्त ने रानी कमलापति का न्योता स्वीकार किया और उनसे मिलने भोपाल पहुँचे। रानी कमलापति ने जो काम उन्हें असाइन किया था उसके लिए एक वादा किया था, और वादा ये था कि 1,00,000 रुपये दूंगी, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं मेरे शौहर के मर्डर में उनको आप मार डालो। इट वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि दोस्त मोहम्मद पहले कई राजपूत और गौड़ राज घरानों को सुरक्षा देने के लिए वहाँ काम कर चुके थे, इसीलिए वह निजाम शाह के हत्यारे और चैनपुर बाड़ी के शासक आलम शाह को अच्छे से जानते थे। दोस्त मोहम्मद ने आलम शाह को आसानी से हरा दिया और जीत की खबर के साथ रानी के सामने हाजिर हुए। रानी कमलापति के बदले की ज्वाला तो शांत हो गई, मगर उनके सामने अब एक नई चुनौती खड़ी थी, दोस्त मोहम्मद को तय की हुई रकम देने की चुनौती। रानी के पास सौदे की रकम तो नहीं थी, सो उन्होंने आधी रकम नकद और आधी के बदले में अपने राज्य का यह हिस्सा, जिसे आज हम भोपाल के नाम से जानते हैं, दोस्त मोहम्मद के नाम कर दिया। दोस्त ने ही भोजपाल का नाम बदलकर भोपाल किया। इस कहानी के साथ कुछ और कहानियां भी शहर में प्रचलित हैं, जैसे कि दोस्त मोहम्मद ने सौदे की पूरी रकम लेने के बाद भी रानी को धोखा दिया और उसका राज्य हड़प लिया। कहीं कहीं तो ये भी सुनने को मिलता है कि रानी ने दोस्त मोहम्मद से बचने के लिए अपने महल के पीछे बने तालाब में कूदकर जान दे दी। जो एक मान्यता बहुत जोर शोर से चलती है भोपाल में, वो ये है कि रानी कमलापति ने छोटे तालाब में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। मैंने बचपन में कहानी भी सुनी है कि एक छोटे तालाब से एक हाथ निकलता था, उसमें मेहंदी लगी होती थी, उसने दुल्हन की तरह तमाम हाथ सजा हुआ होता था। रानी के सजे हुए हाथ को लोग पत्थर मारते थे। कुछ समय बाद तालाब में वो हाथ दिखना बंद हो गया। कहानियां लोग कहते हैं और हम लोग बचपन से यही सुनते हुए बड़े हुए, तो ये कहानियां ना बड़ी एंटाइसिंग हमें बांधे रखती हैं। अगर आप फैक्चुअली देखो तो रानी तालाब में डूब के मर ही नहीं सकती, क्योंकि तालाब तो दीवान छोटे खान 1796 में बना रहे। जिस समय रानी कमलापति थी छोटा तालाब था ही नहीं, उससे पहले कोलास की धारा जरूर वहां से बहती होगी, तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि क्या हुआ। दोस्त मोहम्मद ने रानी को धोखा दिया या नहीं, इस पर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, मगर सारी कहानियों में एक बात साफ थी कि भोपाल शहर की कमान अब दोस्त मोहम्मद के हाथ में आ चुकी थी। दोस्त मोहम्मद ने जल्द ही अपनी बेगम फतेह बीबी के कहने पर भोपाल में एक किले की बुनियाद रखी, जो किला फतेहगढ़ कहलाया। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि जो वो टूटा पड़ा हुआ परमारों का भोपाल था, गोंडों का जो भोपाल था, उसी के पत्थरों को इस्तेमाल करके उन्होंने किले की बुनियाद रखी और किला बनाया। फतेहगढ़ से निकलती हुई एक दीवार से पूरे शहर की घेराबंदी की गई, जिससे शहर की सुरक्षा और बढ़ गई। लोग अब आसपास से यहाँ बसने आने लगे, भीड़ बढ़ने लगी, बाजार भरने लगे, शहर दिन ब दिन अपनी रौनक बढ़ाता जा रहा था। दोस्त मोहम्मद खान ने अपने किले से एक दीवार चलाई और उस दीवार में 8 दरवाजे थे, जिसमें से 6 हफ्ते के दिनों के नाम पे थे। तो उस दिन वहाँ बाजार लगता था। इमामी दरवाज़ा या हमामी दरवाज़ा, जो पहला दरवाज़ा था, सैटरडे को डेडिकेटेड, वो फिर उसके बाद आई इतवार, पीर दरवाज़ा, मंगलवार, बुधवार, जुमेरा थी, जुमे को होती थी छुट्टी,
और वो मीटलेस डे होता था। दरवाजे शहर की सुरक्षा करते थे क्योंकि शहर में दाखिल होने का यही एक मार्ग था। बाकी जगह ऊंची दीवारों ने शहर को घेर रखा था। अगर कोई दुश्मन शहर में आना भी चाहे तो उसे इन 8 दरवाजों में से किसी एक को चुनना होगा, जहां सैनिकों का कड़ा पहरा होता था। अब यहां पे जो शहर की तरफ बनना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, तो वो शायद पूरा वो मुकम्मल हो भी नहीं पाया था कि दोस्त मोहम्मद खान साहब की देहांत हो गया, वफात हो गई। दोस्त मोहम्मद खान के बाद रियासत की कमान नवाब यार मोहम्मद खान ने संभाली। उनके बाद 1742 में फैज मोहम्मद खान ने 1777 में उनकी मौत के बाद भोपाल तख्त पर नवाब हयात मोहम्मद खान बैठे, फिर गौस मोहम्मद खान, फिर नवाब नजर मोहम्मद खान जो कि वजीर मोहम्मद खान के बेटे थे। इनकी शादी हुई कुदसिया बेगम से जो नवाब गौस मोहम्मद खान की बेटी थी। भोपाल की कहानी 1817 के बाद एक नया मोड़ लेती है जब ब्रिटिश इंडिया में नवाब नजर मोहम्मद खान अंग्रेजों के साथ एंग्लो भोपाल संधि पर दस्तखत करते हैं और भोपाल राज्य को ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेज हुकूमत का एक अहम अंग बना देते हैं। मगर नवाब नजर मोहम्मद खान अंग्रेजों के संरक्षण में अपने राज्य को फलता फूलता देखने के लिए ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाए। जब अंग्रेज यहाँ आते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी साइन करती है अपना सब्सिडरी अलायंस नवाब नजर मोहम्मद खान के साथ, और क्योंकि अंग्रेज़ बहुत अच्छे होते हैं तोहफे देने में, तो उन्होंने उन्हें एक तोहफा दिया जो एक बंदूक थी। और वो पिस्तौल, आप 24 साल के लड़के को एक खिलौना दे दीजिए, आज के ज़माने में आईफोन दे दें तो वो उसे फ्लॉन्ट करेगा। वो लड़का पिस्तौल फ्लॉन्ट कर रहा था, गोली चली और वो ख़त्म हो गए। नवाब की अकस्मात मृत्यु से पूरे राज परिवार में उथल पुथल मच गई। नवाब के पीछे उत्तराधिकारी के रूप में उनकी 2 साल की बेटी थी। नवाब नजर मोहम्मद की बेगम को अब एक बड़ा फैसला लेना था, या तो राज्य अपने संबंधियों को सौंप दिया जाए या तख्त पर नवाब की 2 साल की बेटी को बैठाया जाए। नवाब की पत्नी कुदसिया बेगम ने भोपाल दरबार में अपनी 2 साल की बेटी सिकंदर जहां को तख्त पर बैठाने की बात कही और सिकंदर जहां के बड़े होने तक खुद शासन संभालने का सोचा।